वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता आया है ये किसी से छिपा नहीं है। कभी हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार की खबरें सामने आती थी तो कभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने की खबरें सामने आती थी, लेकिन पहली बार एक खबर ऐसी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जी हाँ, दरअसल कोई हिंदू सेना में अधिकारी बन गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है, दरअसल पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कारनामा होने जा रहा है। वो पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में है, उसी पाकिस्तान में अब दो हिंदू अधिकारी के पद पर पहुंच गए। तो क्या पाकिस्तान में भी अब हिंदुत्व का झंडा लहराने वाला है, ये बड़ा सवाल है। ये बदलती तस्वीर उस पाकिस्तान की है जहां एक समय में ऐसा था जब कोई हिंदू पाकिस्तानी सेना में शामिल होने जाता था तो उसे शामिल नहीं होने दिया जाता था। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 2000 तक पाकिस्तानी सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती थी। बता दें कि हिंदू पाकिस्तान में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 75 लाख हिंदू रहते हैं। अब उसी पाकिस्तान की तस्वीर बदलने लगी है। पाकिस्तानी सेना में दो हिंदू अधिकारियों को पहली बार लेफ्टिनेंट कर्नल के पद में पदोन्नत किया गया है। दरअसल पाकिस्तान के आधिकारिक मीडिया ने इसकी बात की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पाकिस्तान आर्मी प्रमोशन बोर्ड द्वारा पदोन्नति मंजूरी दे चुकी है और ऐसे में अब मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर डॉक्टर अनिल कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं आपको बता दें, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंध प्रांत के थारपारकर जिले के रहने वाले कैलाश कुमार 2019 में हिंदू समुदाय से देश के पहले मेजर भी बने हैं। वहीं कैलाश की बात करें तो 2008 में वो सेना में शामिल हुए थे। कैलाश का जन्म 1981 में हुआ था और जमशोरों में लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंस से उन्होंने MBBS पूरा करने के बाद 2008 में कप्तान के रूप में वो पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए थे। वहीं अनिल कुमार सिंध प्रांत के बदीन के रहने वाले हैं और कैलाश से एक साल छोटे हैं। खबरों के मुताबिक वो 2007 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए थे। गुरुवार को सरकारी पाकिस्तानी मीडिया टेलीविजन जो है उन्होंने कैलाश कुमार के प्रमोशन को लेकर ट्वीट किया। PTV ने ट्वीट करके बताया कि कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदोन्नत होने वाले हिंदू अधिकारी बन चुके हैं। यहां ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अभी तक दोनों के प्रमोशन के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान की जो रूढ़िवादी सोच है उससे अब वो बाहर निकलना चाहता है और धीरे धीरे जो कट्टर समाज है उसका खात्मा होने वाला है। तो आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और लाइव अपडेट और खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।